नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस नई कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पाठ 11, जिसका नाम है होली का दिन। तो बच्चों, होली के दिन आप क्या क्या करते हैं, आइए इस पाठ में भी हम देखते हैं। आज होली है। भोर होते ही आसमान पर घोर बादल छा गए। एक मोटा आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है। वह बहुत जोर से होली आई गाता हुआ जा रहा है। रोहन, सोहन और शोभा की टोली भी होली खेलने घर से बाहर निकली हुई है। सबने ढोलक बजाकर होली के गीत गाए। शोभा मोरनी की तरह खूब नाची। दोपहर तक सब होली खेलते रहे। अनमोल सबके लिए समोसे, गुजिया और ढोकला लाया। शाम को सब सर्कस देखने गए। जोकर ने कोट और टोपी पहनी है। उसकी नाक गोल है। वह चेहरे से बहुत भोला भाला लग रहा है। उसने कई करतब दिखाकर सबको खुश कर दिया। घर आकर सबने रोटी खाई और सो गए। तो बच्चों, होली के दिन हम देख रहे हैं कि इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो क्या क्या करते हैं, और उन बच्चों के नाम हैं रोहन, सोहन और शोभा। तो आइए हम देखते हैं। रोहन, सोहन और शोभा होली के दिन भोर होते ही उठते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है, भोर होते ही आसमान में घोर बादल छाए हुए हैं और सुबह सुबह ही एक मोटा आदमी जो है वह घोड़े पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाता है, होली आई, होली आई। और वह ये गीत गाते हुए इधर से उधर आ रहा है, कभी जा रहा है। क्या गा रहा है वो? होली आई, होली आई। और फिर रोहन, सोहन और शोभा ये बच्चे भी होली खेलने के लिए घर से बाहर निकले। और जब वो बच्चे घर से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि सभी लोग जो हैं ढोलक बजाकर होली के गीत गा रहे हैं, और उन लोगों ने भी गीत गाए। और फिर शोभा जो है होली के गीत पर खूब नाची, खूब मोरनी की तरह नाची, और दोपहर तक उन लोगों ने खूब होली खेला, खूब होली खेला। उसके बाद अनमोल एक और लड़का है, वह क्या लेकर आया? समोसे, गुजिया और ढोकला लाया। फिर उन सब लोगों ने आराम से खाया। क्या खाया? समोसा, गुजिया और ढोकला। फिर शाम को वह लोग सर्कस देखने के लिए गए। और सर्कस में क्या था? एक जोकर था जो कि कोट और बड़ी सी टोपी पहने हुए था, और उसकी जो नाक थी वह एकदम गोल थी, और वह देखने में बहुत भोला भाला था। लेकिन उसने बहुत तरह तरह के करतब दिखा करके बच्चों को बहुत खुश किया। और फिर सर्कस देखने के बाद सभी बच्चे जो हैं घर वापस आ गए, और उन्होंने क्या खाया? वे रोटी खाए और फिर सो गए। तो होली के दिन आपने देखा कि कुछ बच्चे रोहन, सोहन, शोभा और अनमोल, इन लोगों ने सुबह से शाम तक क्या क्या किया आपने देखा। वो लोग जो है सुबह सुबह उठे भोर के समय, और फिर उन्होंने देखा कि एक मोटा आदमी जो है होली आई जोर जोर से गाते हुए जा रहा है। फिर ये लोग भी घर से बाहर निकले होली खेलने के लिए। और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि ढोलक बजा करके सभी लोग जो है गीत गा रहे हैं। कौन से गीत? सब लोग होली के गीत गा रहे हैं। और इन गीतों को सुनकर शोभा जो है वह मोरनी की तरह खूब नाची, वह खूब नाचने लगी। और फिर दोपहर के समय तक सब लोग खूब होली खेले। फिर इसके बाद अनमोल जो है सबके लिए गुजिया, समोसे और ढोकला लेकर आया, जिसको कि उन लोगों ने खूब मज़े लेकर खाए। और फिर शाम के समय वह लोग फिर से सर्कस देखने के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक जोकर है जो कि कोट पहना है और टोपी पहने हुए है, और उसकी जो नाक है वह एकदम गोल है। लेकिन उस जोकर ने तरह तरह के करतब दिखाकर उन्हें खूब हंसाया। फिर उन्होंने क्या किया, वे घर वापस आ गए और रोटी खाकर सो गए।
तो बच्चों, आप इस पार्ट को अपनी किताब में पढ़िए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।